गुड मॉर्निंग बेटा, यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड विद द टॉपिक मीडियन. वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला. मीडियन इज गिवन बाय द फॉर्मूला एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. दैट इज द मीडियन. गॉट इट? नाउ हियर we have done first and second question of this exercise 14.3. now let's start with question number 3. in question number 3 the data is given in the form of less than form and you have to convert it into simple form. keep one thing in mind, whenever the data is given in less than or more than form, always cumulative frequency is given in place of simple frequency. So what you will do, you will convert the more than or less than type data to the intervals, and moreover the cumulative frequency will be converted to simple frequency. That we are going to learn in this period, how to convert that. Just wait. Now look here, we are starting with the third question. You have given age in years. You have given below 20, below 25, below 30, below 35, below 40, below 45, below 50, 55, and 60. This is given to you. Now you have to convert it into intervals. बिलो 20 मीन्स लेस देन 20, तो 0 टू 20 आ गया क्लास इंटरवेल. दिस इज बिलो 25, तो 20 तक तो ऑलरेडी वी हैव कंसीडर्ड, तो नेक्स्ट इंटरवेल विल बी 20 टू 25, नेक्स्ट विल बी 25 टू 30. सो इन द सेम मैनर यू विल राइट ऑल द इंटरवेल्स. Okay, so this is the class interval. Now you have given the frequency, and frequency in case of less than or more than data is always of the form cumulative frequency. Now listen, cumulative frequency is given, that is number of policy holder 2. The frequency that is given is cumulative frequency, so I'm writing it as it is. Then later on we will convert it. So this is your cumulative frequency. Now convert it into frequency. ठीक है, अब देखो below 20 में 2 स्टूडेंट है तो वो सेम आएंगे, फर्स्ट वाला सेम आता है. नेक्स्ट इज below 25. अब आप ये देख रहे हो below 25 का मतलब है 20 से below वाले भी इसमें काउंट होंगे. तो आपने क्या करना है, जो 20 से लेस वाले हैं ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्या आएगा, 6 minus 2, that is 4. Is it okay? अब देखो below 30 में ये सारे आ रहे हैं, इसका मतलब आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. 24 minus 6. आपको ये पता है कि कल हमने जो किया था, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते, एक्चुअली क्या होता है, इंटरवल गिवन होते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो आप पहला नंबर सेम लिख के उसमें ये प्लस करते जाते हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाती है. अब हम उसका रिवर्स कर रहे हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप बिलो वाले को इंटरवल में चेंज कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग यू विल एड देम, यू विल सब्ट्रैक्ट देम. तो आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आ जाएगा, 18. बिलो 35 में क्या होगा, बिलो 35 में आप इसमें से इसको माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दू 29. नेक्स्ट में 40 से बिलो वाले में इसमें से इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा, 33. इसमें से इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा बच्चे, 11. इसमें से इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा, 3. इसमें से इसे माइनस करेंगे, 6. इसमें से इसे माइनस करेंगे, 2. याद रखना, इन केस ऑफ लेस देन और बिलो में फर्स्ट नंबर सेम आता है, लेकिन मोर देन वाले में लास्ट नंबर ऊपर वाले से. बताऊंगी अभी हम चलते हैं आगे, फिर करते हैं स्टार्ट. ठीक है, एक्चुअली क्या था, कल हमने ये वाला डाटा किया था, ये गिवन था और आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी.
इस बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्टार्टिंग में तो 0 to 20 है। हाँ जी दोबारा बोलो। एच तो हमारे पास फर्स्ट जो क्लास इंटरवल में फर्स्ट है नहीं उसमें तो बेटा, मेरी बात सुनो, ये आप इसको यहाँ पे 15 से 20 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे चेक करो ना, ओके। ठीक है। एक्चुअली वो लेस देन 20 था ना, तो लेस देन 20 में वी आर नॉट स्पेसिफिक कि कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो इसलिए 0 to 20 लिख दिया, ठीक है। तो 0 to 20 लिखा है, लेकिन आप इंटरवल्स चेक करो, मैक्सिमम सबकी फ्री जो डिफरेंस है वो H5 ही है, ठीक है। तो H5 लेना है आपने, इज इट ओके। तो हम एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लेस देन को कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप करो, मैं देती हूँ आपको क्वेश्चन, 1 मिनट जरा वेट करो। लेटेस्ट ये सैंपल पेपर आए हैं और मैं आपको देती हूँ इसमें से क्वेश्चन, 1 मिनट जरा वेट करो। अच्छा एक ना बुक में इम्पेरिकल फॉर्मूला भी गिवन है, ठीक है, वो भी नोट कर लो जरा, इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला भी नोट करो, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। कैन यू टेल मी द पेज नंबर, हैव यू रेड आउट द इंट्रोडक्शन फ्रॉम द बुक, आपने रीड किया है इंट्रोडक्शन? मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारी इंट्रोडक्शन थॉरली रीड किया करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट जरा, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये मैं लिख रही हूं, बस आप मुझे कन्वर्ट करके दिखा दो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियन नहीं फाइंड करना, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द इंटरवल, सो दैट आई कैन सी दैट वेदर यू हैव गॉट द टॉपिक और नॉट, ठीक है, ये गिवन है। चलो कन्वर्ट करो इसे, लेस देन 10 मीन्स 0 to 10, लेस देन 20 मीन्स 10 to 20, और ये क्या दे रखा है, सी एफ, एफ में चेंज करो, ठीक है। चलो जल्दी कन्वर्ट करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। और ये इंपेरिकल फॉर्मूला भी मैं लिख रही हूं, ये भी नोट करो। या इंपेरिकल रिलेशन भी कह सकते हैं। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, डन। डन, यस दीक्षा, यस मैम। बोलो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बच्चे। 3, 7, 12, 18, 14, 17। 3, 7, 12, 12, 18, 14, 17। ठीक है, ओके है, वेरी गुड। इंटरवल बन जाएगा 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है, 3, 7 इसमें से इसे माइनस किया, 3, 7, 12, 18, 14 एंड लास्ट वन इज 17. ओके, क्लियर है. अब हम एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का पेंडिंग है 14.3 का, उसमें जो डाटा है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, सो यू हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट इट. दैट वी हैव ऑलरेडी डन, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9, बट लेट मी डिस्कस अगेन. हैव यू नोटेड डाउन दिस फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला? दिस इज नोन एज इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड. ठीक है, एक ना इसी टाइप का के वाला क्वेश्चन है, मैं आज सर्च करती हूँ, मैं आपको दूंगी ऐसा क्वेश्चन करने को. वन मार्क में आया था ये क्वेश्चन एक बार. ठीक है, उसमें ना रेशियो बतानी थी क्या थी इस रिलेशन के बेस पे. एक्चुअली उसमें ना ऐसे था, ये देखो मैं ऐसे जस्ट एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरे को एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं याद है बट थोड़ा बहुत जो याद है मैं उससे बता देती हूँ. ये देखो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तो आपको पता है रिलेशन, लेकिन क्वेश्चन में ना क्या किया हुआ था, ऐसे कुछ दिया हुआ था, ऐसे करके ना कुछ दिया हुआ था, तो यहाँ पे ना के की वैल्यू बतानी थी. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन वन मार्क में आ सकता है. तो आपको पता ही है कि के की वैल्यू यहाँ 3 आएगी इस टाइम पे. अब देखो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो. द डाटा दैट इज गिवन इज नॉट इन कॉन्टिन्यूटी, लेंथ इज गिवन दैट इज इन मिलीमीटर, 118 to 126. ये गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, दैट इज 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. Now the length of 40 leaves of a plants are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is presented in the following table. Find the median length of the leaves. Now look here, this data is not in continuity because the upper limit of this interval is not same as the lower limit of the another interval, next interval. So that means this data need to be converted to the continuous interval, otherwise we can't proceed with the question. So what you will do, you will subtract 0.5 from here and you will add 0.5 to this. Again you will subtract 0.5 from the lower limit, add 0.5 to the next. So in the same manner you will do all these. Is it okay? So this data has already been converted to the continuous class interval. Now this is your F, simple question hai na? So it is your frequency. Now you have to find cumulative frequency. Whenever cumulative frequency is given, you will subtract. And in case of cumulative frequency, you have to find, you will write the first number same and you will keep on adding. Ye dono ko add karke 8. 8 plus 9, 17, 17 plus 12, ऐसे ऐड किया है. फर्स्ट नंबर सेम, इन दोनों को प्लस किया ये, इन दोनों को प्लस किया ये, इन दोनों को प्लस किया 29, इन दोनों को ऐड किया 34, 34 प्लस 4, 38, 38 प्लस 2, 40. Now, how you will check whether you have got correct cumulative frequency? The method is, you will get the total of this. If the total of this is again 40, which is same as the last number, that means this is correct. 3 plus 5, 8, 8 plus 9, 17, 17 plus 12, 29, 34 plus 4, 38 plus 2, 40. Same aa raha hai, so that means you have got correct cumulative frequency. Now you all please complete it. Find median from this. I am waiting.
apply the formula of the median and get the median from this data. Complete this question, hurry up. Today, I will send you few extra questions, few very short questions of this chapter that is concept based, that I will send you from the latest sample paper that I have just got day before yesterday. Okay. So I hope you all will read it out, and if you have any doubt, we will discuss it in the later on when we will do the revision work. Yes, anyone who can try. बहुत इजी है, मेरी बात सुनो. आप एक बात सोचो, आपको कहते हैं मोर देन और इक्वल टू फाइव, फाइव या फाइव से बड़ा. अब फाइव से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये सबकी बात कर रहा है. इसका मतलब फाइव से लेके 35 ये सबकी बात कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी है 30, ठीक है. लेकिन आपने इसे इंटरवल में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 0 to 5. अब यहां आ रहा है मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 से बड़े और 10 के इक्वल. तो आप 5 तक तो ले चुके हो, मोर देन और इक्वल टू 10 क्या मतलब है इसका, इसका क्या मीनिंग है, ये ठीक लिखे मैंने, ये ठीक लिखे, जल्दी बोलो. यस एनीवन, ये ठीक है अर्शीन, ये मैंने ठीक लिखा है 0 to 5. आदित्य, अदिति, छियांग, ये मैंने करेक्ट लिखा है, मैंने लिखा है मोर देन और इक्वल टू 5. मैंने यहां 0 लिखा था, 0 नहीं है, लेकिन मैंने बोला क्या है, मोर देन. हां जी छियांग, मैम गलत लिखा है. हाँ, क्या आएगा मैम, 5 to 35 आएगा शायद. नहीं, 5 to 10 आएगा, 35 नहीं आएगा. 5 to 10. हाँ, क्योंकि 10 से आगे नेक्स्ट है ना, फिर इसलिए. एक मिनट, ठीक है बच्चे, यहाँ पे है मोर देन और इक्वल टू 5, 5 के इक्वल या 5 से ज्यादा, तो कहाँ तक जाएगा, 5 से लेके 10 तक. नेक्स्ट है मोर देन और इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 मतलब 10 तो आना ही आना है, और 10 से ज्यादा मतलब 10 to 15, ठीक है. लेकिन आपने इंटरवल को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन और इक्वल टू 5 का मतलब है 5 से बड़ी, मतलब 5 से लेकर 35 तक सारी दे रखी है 30, तो आप इसको भी चेंज करोगे. मैंने आपको बोला था मोर देन और लेस देन की टाइप में क्या होता है, सीएफ गिवन होता है. ये क्या गिवन है, सीएफ. आपने एफ फाइंड करना है अभी, ठीक है, वो भी फाइंड करते हैं. पहले एक चीज कर ले, मोर देन और इक्वल टू 15, तो 15 से लेके 25, फिर 20 से लेके 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40. इज इट ओके नाउ. अब आपने देखा जो लेस देन की टाइप थी उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम थी, और इसमें से इसे माइनस किया था. लेकिन मोर देन में ऐसे नहीं होता, मोर देन में यहां से यहां तक माइनस करते हैं. लेस देन वाले में फर्स्ट वाली सेम आती है, लेकिन मोर देन वाले में लास्ट वाली सेम आती है, ठीक है. इसमें माइनस जो लेस देन वाली था, इसमें इधर से इधर माइनस करते हैं, लेकिन मोर देन में रिवर्स होता है. इसमें से इसे माइनस किया 2, इसमें से इसे माइनस किया 12, इसमें से इसे माइनस किया 2, इसमें से इसे माइनस किया 4, इसमें से इसे माइनस किया 3, इसमें से इसे माइनस किया 4, एंड लास्ट वन इज सेम. इज इट ओके देखो,
हमने कर तो दिया, लेकिन एक बार इसे समझने की कोशिश करो। आपको कहते हैं फाइव से बड़े मतलब सारे आ रहे थे, लेकिन आपको क्या चाहिए थे? फाइव से लेके टेन तक, मतलब यहां से लेके यहां तक चाहिए था, बाकी नहीं चाहिए थे। इसलिए हमने क्या किया, इसमें से इसे माइनस करके बता दिया कि टू नंबर ऑफ पर्सन ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं। अब 10 टू 15 में मतलब यहां से लेके यहां तक चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हमने इसमें से इसे माइनस कर लिया फ्रीक्वेंसी, बाकी रिमूव हो गई। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? चलो मैं आई एम राइटिंग सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू, यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू मेक द टेबल। ये टू नंबर में आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक बार अपने स्कूल के प्री बोर्ड में भी हमने ये क्वेश्चन टू मार्क्स में डाला था। ठीक है, पूरा नहीं डालते, कई बार सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट के लिए चेक करने के लिए कि कंसेप्ट क्लैरिटी है या नहीं, इसके लिए भी डाल देते हैं ऐसा क्वेश्चन। वेट, लेट मी चेक द क्वेश्चन ऑफ दिस सिमिलर टाइप। चलो, मोर देन More than 65, 60, 55, एक मिनट, ये नहीं, रुको, ये ना कुछ और है, ये आपको आएगा, एक मिनट रुको, कुछ और देख लीजिए। ये पता क्या था, इंटरवल दे रखे थे, उसे मोर देन में चेंज करना था, वो भी आ सकता है, वो भी करते हैं अभी। पहले सिंपल कर ले जरा, मोर देन में कन्वर्ट, मोर देन वाले को सिंपल में कन्वर्ट। More than or equal to 0, 10, 20, 30, 40, 50, 63, 60, 58, 55, 51, 48, 42. Convert this to simple class interval. Do it, hurry up. Done? Yes. Anyone who can tell me the answer? Dhavnesh? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Yes. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. Yes. Frequency? Frequency बोलो, कौन बताएगा? दवनेश क्या हुआ? Frequency कौन बताएगा? Three. Four. Yes. Three. Six. अब इन सबको प्लस करके 42 आ जाएगा। ये हो गया, कंप्लीट हो गई है। ये लास्ट में क्या आएगा? 42 सेम। ठीक। मोर देन वाले में लास्ट वाला सेम होता है और लेस देन वाले में टॉप वाला सेम होता है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी।